नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनु स्वागत छे। शुरुआत करिए मुख्य समाचार थी। दिल्लीना मुख्यमंत्री केजरीवाले रोकड़ा रूपया 2 करोड़ पोतानी आंख सामे लीधा होवानो आक्षेप करे छे हाकी कढ़ायेला मंत्री कपिल मिश्रा। पोतानी नजरे भ्रष्टाचार जोयो होवानु मानता कपिल मिश्राए घटस्फोट माटे पसंद करी बापूनी समाधि राजघाट। भ्रष्टाचार विरोधी सैनिक तरीके की छबी पर सत्ता मेळवनार केजरीवालनु राजीनामु मांगे छे भाजप, तो पोलीस फरियाद नोंधवा मांगणी करे छे कांग्रेस। ईशान भारतना विकास माटे कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर खिलवणी पोतानी अग्रता होवानु कहे छे प्रधानमंत्री। भारत सेवाश्रम संघनी शताब्दी प्रसंगे स्थापक स्वामी प्रणवानंदजी ने आपी श्रद्धांजलि। आध्यात्मिक उन्नति साथे जनसेवा करवा साधकोने करी अपील। 150 करोड़ खर्चे 1.5 वर्ष में बंधानार सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल भूमिपूजन माटे राजकोट पहुंचा केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए कहू, असाध्य रोग की सारवार माटे सौराष्ट्र में कोई दर्दी हवे उपचार माटे अमदावाद जवू नहीं पड़े। खेडूत परिवारों की आवक बमणी करवा माटे मोदी सरकारे शुरू करेली योजनाओं फायदा हवे हाथ वेत में होवानू कहे छे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। गुजरात की कृषि आवक 1.5 दायका में 11,000 करोड़ थी वधी 1.25 लाख करोड़ थी होवानू कहे छे रूपाणी सरकार। देशना सीमाड़े रात दिवस ने टाड़ तड़को जोया वगर फरज बजावता सैनिक ने वन रैंक वन पेंशन नो लाभ मळता उकेलायो 40 वर्ष जूनो प्रश्न। पेंशन आपवामां कचवाट अने बहादुरी ना वखाण जेवो विरोधाभास भूसी काढ़ी लश्करी जुस्सो बुलंद बनावे छे मोदी सरकार। रक्तपित्त विरोधी रसीकरण माटे पसंद थयेला नवसारी नर्मदा जिल्ला में रसी मुकवानी झुंबेशनी शुरुआत करावता सांसद सीआर पाटिल। आदिवासी पट्टी में रक्तपित्तनु प्रमाण ऊंचू होवानु कारण शोधवा तज्ञों द्वारा चाले छे शोधखोळ अभियान। मशरूम जेवी आधुनिक खेत पैदाशनी खेती माटे डांगनी आदिवासी बहनोए मेळवी सफळता। महिला सामख्य कार्यक्रम हेठळ अंतरियाळ 50 गामडामां मशरूम उगाड़वानो प्रयोग फायदाकारक रहता वधु गामडे तेने पहोंचाड़शे। पोलीस बीड़ा में 17,000 कर्मचारी की भर्ती संपन्न थया बाद 67,000 पद माटे टूंक समय में भर्ती योजवानी जाहेरात करे छे मुख्यमंत्री। राजकोट में नवा बंधायेला क्वार्टर की चावी पोलीस परिवार ने मुख्यमंत्रीए अर्पण करी। जोईए समाचार विगतवार। ईशान भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान आपी समग्र प्रदेश आर्थिक विकास पोतानी अग्रता होवानू प्रधानमंत्री मोदीए कह्यु छे। शिलोंग खाते भारत सेवाश्रम संघना शताब्दी महोत्सव में वीडियो लिंक वड़े उपस्थित रहता प्रधानमंत्रीए कह्यु हतु के उत्तर पूर्वना राज्य में पर्यटन उद्योग की खिलवणी पण मोटू आर्थिक परिबळ छे। परिणामे नाना मोटा शहर में वीजळीनी उपलब्धि वधे तेवा पगला भराई रह्या छे। उत्तर पूर्व भारत ने तेमणे दक्षिण पूर्व एशियानु प्रवेश द्वार पण गणाव्यु हतु। जनसेवा साथे आध्यात्मिक उन्नति मार्ग पसंद करनार स्वामी प्रणवानंदजी योगदान अविस्मरणीय होवानु पण तेमणे कह्यु हतु। बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 40,000 करोड़ के निवेश से उत्तर पूर्व में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। रेलवे से जुड़े 19 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। बिजली की व्यवस्था सुधारी जा रही है। पूरे इलाके को पर्यटन के लिहाज से, टूरिज्म के दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। बहुत जल्द ही उत्तर पूर्व को उड़ान योजना से भी जोड़ा जाएगा। ये सारे प्रयास नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने में। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले पोतानी आंख सामे रोकड़ा रूपया 2 करोड़ सत्येन्द्र प्रधान पासेथी लीधा होवानो सणसणतो आरोप तेमना पूर्व मंत्री कपिल मिश्राए कर्यो छे। केजरीवाल सरकारमांथी हाकी कढ़ाया बाद बीजा दिवसे कपिल मिश्राए वर्तो प्रहार करवा माटे बापूनी समाधि एवं राजघाट ने पसंद करी सत्य ने नैतिक शुद्धि तरफ आखा मामला ने वाड़वानी सांकेतिक कोशिश करी केजरीवालनी शाख खरड़ी काढ़ी होवानुं विश्लेषकों कही रह्या छे।
भाजप नेता ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयले प्रतिक्रिया आपी है कि केजरीवाले हवे राजीनामु धरी देवू जोईए अथवा भ्रष्टाचार पाका साक्षी पुरावा होवाथी केन्द्र सरकारे तेमने बरखास्त करवा जोईए। आम आदमी पार्टी की आंतरिक साठमारी हवे प्रामाणिकता दावा ने प्रति दावा पर उतरी आई है। उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है और कैबिनेट में दो साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं और इसके बाद एसीबी सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। तो मैं समझता हूं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए और नहीं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप हैं ये जो कि उन्होंने उपराज्यपाल और कहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच को भी वो दे रहे हैं। केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप की 2 करोड़ रुपया देते हुए मैंने देखा ऐसे निवृत्त मंत्री वो बोल रहा है तो मुझे बड़ा दुख होता है इसके बाद पे। यार पूरा देश बड़ा आशा से देख रहा है हमारी तरफ तो भ्रष्टाचार के बारे में और हम लोगों पर ऐसे आरोप होना कहाँ तक सच है। तमाम मामलों में जब ये बताया गया कि ये 4-5 लोग आपके करीब हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो केजरीवाल जी हर बार चुप लगा रहे थे, यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का विश्वास तोड़ा है। इस पूरे मामले में वो बेनकाब हो गए, ये पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है। हम समझते हैं कि अब सही समय आया है जब अपने घर के लोगों ने, आज भी कपिल मिश्रा एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के रात तक मंत्री थे, कल जब उन्होंने सब साक्ष्य देने की बात की पदाधिकारियों के पास तब उनको हटाया गया मंत्रिमंडल से, और जो अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो बहुत सबसे निकट के नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री या और मंत्री के पद पर हैं उन पर भी आरोप लगे हैं और सबकी सूक्ष्मता से जाँच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। आरोप चाहे मुझ पे लगे चाहे अरविंद केजरीवाल पे लगे, हर आरोप पे प्रमाण होना चाहिए, कायदे की जांच होनी चाहिए, बिना जांच के बड़े आरोपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। 2012 आम आदमी पार्टी वॉज फॉर्म्ड एंड दे सेड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू पार्टी which was an offshoot of India Against Corruption movement to combat corruption. Number one, that was the main flight of this plank of this party. Four have been forced to resign on corruption charges. So what has happened to the corruption plank? देशना सीमाड़े रात दिवस ने टाड़ तड़को जोया वगर फरज बजाता सैनिकों ने जारे पगार के पेंशन माटे मंदुक थाय तरह चिंता पण देशवासियों द्वारा थवी जोईए। एक नौकरी, एक होद्दो ने एक सरखो कार्यकाळ छतां पेन्शन जुदा जुदा मळे तेवी विसंगतता धोई काढवानुं काम मोदी सरकारे करता लश्करी दळनो जुस्सो बुलंदी उपर छे ने तेमना महानायक छे नरेन्द्र दामोदर दास मोदी। ये वो आरोपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का, 8 से 10 हजार करोड़ रुपया। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है।
देश जेमनी बहादुरी ऊपर गर्व करतो होय तेवा सैनिक पेन्शन माटे कचवाता होय ते केम चाले। वन रैंक वन पेन्शन नो 40 वर्ष जूनो प्रश्न चपटीमां उकेली नाखता मोदी सरकार ने लाखों परिवार नी दुआ मळी छे। 2015 नी 6 सप्टेम्बरे वन रैंक वन पेन्शन जाहिर थता लश्करना 14 लाख वर्तमान अने 25 लाख निवृत्त कर्मचारीए फायदानो रोमांच अनुभव्यो। आगे की सरकार से हमें परिणाम नहीं मिलता था, मगर ये नरेंद्र मोदी साहब की राष्ट्रवादी सरकार ने हमारी ये जो बातें सुनकर के उसको संवेदनात्मक रूप से इस प्रश्न को हल किया है। इससे इसकी पूरी जो असर हुई है उसकी सामाजिक जीवन पर, वो माजी सैनिक के जीवन पर, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी मेडिकल सर्वर, उनकी सर्विस या उसका लाइफस्टाइल, जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें उसको ये मदद रूप हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, हम सभी उससे खुश है। वहली उम्र नौकरी और निवृत्ति ए लश्करी नौकरी की खासियत है। सरकारी कर्मचारी भले 60 वर्षे निवृत्त थतो होय परंतु एक जवान 30-35 वर्षनी उम्रे निवृत्त थाय छे, मतलब के पेन्शन तेना जीवनना घणा बधा वर्षो माटे आजीविका बनी रहे छे। 2006 पहला निवृत्त थनार सैनिकोने पेन्शनमां एटली विसंगतता हती के पोताना जुनियर थी पण ओछू पेन्शन तेमने मळतुं हतुं। आर्मी से 1995 में रिटायर्ड हुआ, पेंशन में तकरीबन 5000 रुपया पर मंथ के हिसाब से बढ़ा है और उसी हिसाब से सबको बढ़ा है, जैसे जैसे सर्विस है उस हिसाब से, और मेरे को एरियस के रूप में भी 2 लाख रुपया जितनी रकम मिली। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, उन्होंने जो ये सब माजी सैनिक और जो भी सर्विस में उनके लिए जो भी ये कदम उठाया बहुत सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। सरकार ने हमारा जो वन रैंक वन पेंशन मंजूर किया है उसकी वजह से हमको हर एक महीने माजी सैनिक को 1000 से लेके 10000 तक का फायदा हुआ है और 50000 से 2.5 लाख तक का एरियर्स मिला है। इसके फलस्वरूप हम माजी सैनिक का इस महंगाई के समय में जो पहले कठिनाई थी वो काफी दूर हुई है। पेन्शन की रकम नक्की करवानी आंकड़ाबाजी एटली विचित्र हती कि अन्याय सिवाय तेमाथी कशु हाथ लागतु नहोतु। लश्करी नौकरी में जुवानी बर्बाद करनार जवान दुभातो फरतो हतो। अफसोस ने आनंद में पलटी काढ़ी मोदी सरकारे सरहद नु रखोपू करनार ने साचवी लीधा छे। दूरदर्शन समाचार अमदावाद। राजकोट में रूपया 150 करोड़ खर्चे बंधानार सुपर स्पेशियालिटी होस्पिटल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तेमज केन्द्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा भूमिपूजन करवामां आव्यु हतु। नोंधनीय छे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत राजकोट सिविल होस्पिटल ने 150 करोड़ की ग्रांट फाळवामां आवी हती। आ होस्पिटल में जटिल सर्जरी थई शके ते माटेनी तमाम सुविधा उपलब्ध करावामां आवशे। आ तके बोलता मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए जणाव्युं हतुं कि नागरिकों ने झड़पी तबीबी सुविधा मळे ते माटे 1.5 वर्ष में ज होस्पिटलनुं निर्माण कार्य पूरू करवामां आवशे। केन्द्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डाए रक्तपित्त ने डामवानी रसी आपवानी शुरुआत पण राजकोट खातेथी करावी हती। तेमणे जणाव्युं हतुं कि रक्तपित्तना दर्दीओ माटेनी आ रसी मेक इन इंडियानुं उत्तम उदाहरण छे। मुक्त करने में ही सिर्फ सफलता नहीं मिलेगी बल्कि कुष्ठ रोग परिवार में भी न फैले और एक अच्छा वातावरण बन सके और वो भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, इस तरीके का इस वैक्सीन का लाभ होने वाला है। तो इसको भी आज लॉन्च किया गया है डॉक्टर तलवार ने। यह मेक इन इंडिया का एक अनूठा प्रयोग है, प्रयास है। इसको लॉन्च करके हम कुष्ठ रोग के मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सौराष्ट्रना गरीब मरीजों ए झड़प थी एमने सारवार मळे अने एटला माटे राजकोटनी सरकारी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशियालिस्ट एमनो ब्लॉक नो आजे शिलान्यास थयो छे। खूब जरूरी अने महत्वनी आईसीयू थी मांडी अने महत्वना खूब गंभीर रोगों एमनी सारवार सुपर स्पेशियालिस्टो करशे। 1.5 वर्ष में ए संपूर्ण बांधकाम पूरू थशे अने हॉस्पिटल ए नवा स्वरूपे चालशे।
पुलिस कर्मचारीओ तेमना परिवार साथे सुविधापूर्ण रीते रही शके ते माटे मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए राजकोट खाते पुलिस आवासनुं लोकार्पण कर्युं हतुं। राजकोटमां गुजरात पुलिस आवास निगम द्वारा रूपिया 983.48 लाखना खर्चे 80 आधुनिक पुलिस आवासनुं निर्माण करवामां आव्युं हतुं। मुख्यमंत्रीए लोकार्पण समारंभमां जणाव्युं हतुं कि गुजरातनी सलामती सुरक्षा तेमज शांतिने डहोळता असामाजिक तत्वो फफड़ता रहे ते माटे पुलिस विभागे लाल आंख राखवी जरूरी छे अने राज्य सरकार हवेथी वर्ग 3ना पुलिस कर्मचारीओने बे रूम रसोड़ा तथा हॉल सहितना सुविधाजनक आवास पूरा पाडवामां आवशे अने ते अंगेनी कामगीरी शुरू करी देवामां आवी छे। तेमणे उमेर्युं हतुं कि राज्य सरकार लोकोने सुविधाओ आपवामां अग्रेसर रही छे। राजकोट खाते समस्त भरवाड़ समाज द्वारा आयोजित समूह लग्नोत्सव में मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए हाजरी आपता गोपालक परिवारों में आनंद और सम्मान की लागणी दौड़ी गई थी। पोताना धारासभ्य विजयभाइ रूपाणी हवे मुख्यमंत्री बन्या होवानी खुशाली भरवाड़ समाज दरेक नेता ने साधारण परिवारों में आ प्रसंगे देखाती थी। आबरू साचवाना कारणे सामाजिक खर्च माटे करज नहीं करवानी शीख मुख्यमंत्री आ प्रसंगे आपी थी। कुरिवाज ने अंधश्रद्धा ने तिलांजलि आपवा साथे कन्या केळवणी ने अग्रता आपवा भरवाड समाज ने अनेक नेताओं आ प्रसंगे अपील करी हती। दरेक व्यक्तिनुं एक स्वप्न होय छे कि जीवन में घरनुं घर चौक्कस बनावे। राज्य सरकार पण नागरिकोनी स्वप्नपूर्ति माटे कटिबद्ध छे अने ते माटे आवास बांधकाम मोटा पाये शुरू करायुं होवानुं मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए जणाव्युं हतुं। राजकोटमां विविध सामाजिक संगठनों अने आगेवानो द्वारा मुख्यमंत्री अभिवादनों कार्यक्रम आयोजित करवामां आव्यो हतो, जेमां 2 लाख मकाननुं बांधकाम अने फाळवणी मध्यम वर्गने करवानी तेमणे जाहेरात करी हती। महसूली कायदानो उल्लेख करता मुख्यमंत्रीए जणाव्युं हतुं कि राज्य सरकारे 104 वर्ष बाद आ कायदो बदल्यो छे, जेथी शहेरोमां सूचित सोसायटीओ अधिकृत बनशे। पीवाना पाणी माटेनी तंगी हवे राजकोटमां भूतकाळ बनी गई होवानुं तेमणे कह्युं हतुं। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी खाते योजायेला कृषि महोत्सव में धरतीपुत्रोए भाग लीधो हतो। कृषि महोत्सव में बोलता केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जणाव्युं हतुं कि प्रधानमंत्री मोदीए खेडूतोनी चिंता करीने नीम कोटेड यूरिया खातरनी अछत दूर करवा महत्वना पगला लीधा छे अने खातरनी खरीदी में पारदर्शकता लावीने उद्योगों में तेमज केमिकल फेक्टरीओं में पहोंचतुं यूरिया खातर खेडूतो सुधी पहोंचाड्युं छे। केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया राज्य सरकारे लीधेला खेडूत कल्याणना पगलाओनी पण प्रशंसा करी हती। कृषि मेला में उपस्थित पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग मंत्री बाबूभाई बोखीरियाए जणाव्युं हतुं कि राज्य की कृषि आवक जे 1.5 दायका अगाउ मात्र 11,000 करोड़ हती ते हवे 1,26,000 करोड़ थई छे अने सरकार सतत खेती और पशुपालन माटे वैज्ञानिक अभिगम दाखवी रही छे, तेमज सारी ओलादना पशुओं मळी रहे ते माटे 4 नवा कृत्रिम बीजदान केन्द्र शुरू करवामां आव्या होवानुं पण बाबूभाई बोखीरियाए जणाव्युं हतुं। કૃષિ માર્ગદર્શન આપવા માટે આ કૃષિ મહોત્સવનું આયોજન થયું છે, ત્યારે મેંગો એટલે કે કેરી, મગફળી, કઠોળ વગેરેના પાક માટે અદ્યતન માહિતી મળી રહી, ખેડૂત પોતાનું ઉત્પાદન વધારી શકે, ખેડૂત પોતે વેલ્યુ એડિશન કરીને પોતાના માલની ઉત્પાદન થયેલા માલની વધારે આવક મેળવી શકે એ ઉદ્દેશ સાથે આજે કૃષિ મહોત્સવનું આયોજન થયું છે। केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जणाव्युं छे कि खेडूतो द्वारा उत्पादित पाकनी मूल्यवृद्धि द्वारा खेडूतोने पाक अथवा पैदाश विश्व बजार में वेचाय ते माटे केन्द्र सरकार सतत प्रयत्नशील छे। अमदावाद में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा योजायेला केरी महोत्सव 2017 ने खुल्लो मुकता तेमणे उमेर्युं हतुं कि अखातना देशों सुधी भारत में उत्पादित पैदाश पहोंचे ते माटे रेडिएशन केन्द्र उभा करवा साथे बंदरोनो पण विकास करवामां आवी रह्यो छे, जेथी दरियाई मार्गे ओछा समयमां ने पैदाश बगड़े नहीं ते रीते समयसर पहोंचाड़ी शकाय। केसर केरी माटे जियोग्राफिकल इंडेक्शन नंबर मेळवामां आव्यो छे, जेथी आखा विश्वने केसर केरीना स्वादनी ओळख अने परख थाय। आ केरी महोत्सव 1 महीना सुधी चालशे।
મેડિકલ ડેન્ટલ બેઠકોમાં પ્રવેશ માટે આજે દેશભરમાં યુજી નીટ એટલે કે અંડર ગ્રેજ્યુએટ નેશનલ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ યોજાઈ હતી. દેશભરમાં ફેલાયેલી 56,000 મેડિકલ ડેન્ટલ બેઠકો પર પ્રવેશ માટે 11.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી થઈ હતી. ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ સહિત વિવિધ શહેરોમાં પરીક્ષાર્થીઓ નીટની પરીક્ષા આપી હતી. ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેરના 30થી વધુ કેન્દ્રોમાં 20,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષા આપી હતી. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપ્યા બાદ આનંદિત હતા અને પ્રશ્નપત્રો અંગે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે તેમને નીટની પરીક્ષા સરળ લાગી હતી અને ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને બાયોલોજી પૈકી બાયોલોજીનું પેપર વધારે સરળ લાગ્યું હતું. નીટની એક્ઝામ આપી તો પહેલા તો બહુ હાર્ડ લાગતું હતું, બીક લાગતી હતી. એક્ઝામ આપ્યા પછી થોડું ઇઝી લાગ્યું અને વધુ તો મને બાયોલોજી ઇઝી લાગ્યું, કારણ કે પહેલાથી મને બાયોલોજીમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને થોડું કેમિસ્ટ્રી અને પછી લાસ્ટમાં ફિઝિક્સ. નીટનું પેપર સારું હતું, બાયોલોજી ઇઝી હતું એવું લાગ્યું, પણ ટ્રાન્સલેશનની બહુ જ એરર હતી. જો એ સુધારવામાં આવે તો 2-3 એમસીક્યુ સરળ રીતે થઈ શકે એવા હતા અને ફિઝિક્સ થોડુંક ટફ લાગ્યું. કેમિસ્ટ્રી ઓલ ઓવર સારું હતું. બાયોલોજીનું પેપર એકંદરે સહેલું હતું, પછી ત્યારબાદ ફિઝિક્સનું કેમિસ્ટ્રી હતું. એમાં બધાએ સારું પરફોર્મન્સ આપ્યું છે, મારું પણ સારું પરફોર્મન્સ થયું છે. એકંદરે એક્ઝામ મીડિયમ હતી, બહુ હાર્ડ પણ નહોતી અને ઇઝી પણ નહોતી. યુવાનોને ઝડપથી નોકરી મળી રહે તે માટે વડોદરામાં જોબ ફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં વડોદરા ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ઓનલાઈન જોબ પોર્ટલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના રમતગમત મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને પોર્ટલ ડેવલપર આનંદ મળિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એફજીઆઈએ દેશમાં સૌપ્રથમ આ પ્રકારનું પોર્ટલ તૈયાર કર્યું હતું. યુવાનોને રોજગારી માટે ઉપયોગી થઈ રહે તેવા જોબ પોર્ટલ નોકરી મેળવતા માંગતા તેમજ નોકરી આપનારા માટે એક સિત્તરૂપ પુરવાર થશે. આ જોબ પોર્ટલ અંગ્રેજી તથા હિન્દી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. પોર્ટલનો ઉપયોગ કરનારને 10 GB સુધી જગ્યા વિનામૂલ્ય મળશે હવે, જ્યારે જેમાં બાયોડેટા સાથે વિડીયો રિઝ્યુમ પણ મૂકી શકાશે. તાવડીમાં પહેલી રોટલી ગાય કૂતરા માટે બને તેવા સંસ્કાર આપણા ઘરમાં આદિકાળથી પડાય છે. ગિરનાર પર્વત જેમની તપોભૂમિ છે તેવા ભગવાન ગુરુ દત્તાત્રેયના સાથીદાર તરીકે ગાય તથા કૂતરાને તમે દરેક ચિત્રમાં જોયા હશે. દત્ત ભગવાનથી શરૂ થયેલો શ્વાન સંબંધ માણસ નિભાવતો આવ્યો છે, પણ ક્યાંક ક્યાંક તાવડીની એક રોટલીને બદલે ઢગલાબંધ રોટલા ઘડી કૂતરાઓને ભોજન કરાવવાની સેવા ચાલે છે. અંજારમાં કૂતરાઓ માટે અન્નક્ષેત્ર ચલાવતા બે વિરલાની વાત પ્રસ્તુત છે. શેરી મિત્ર કહો કે પછી કુદરતે આપેલા ચોકીદાર અથવા તો વફાદાર મિત્રના નામે ઓળખાતા શ્વાન, આ શ્વાન ભૂખ્યા ન રહે તે માટે કચ્છ અંજારના રમેશભાઈ ટાંક તથા ભાવેશ પ્રજાપતિએ એક ઉમદા કાર્ય હાથ ધર્યું છે. તેઓ શ્વાન માટે નિયમિતપણે આશરે 200 જેટલા રોટલા રોટલી તૈયાર કરાવડાવે છે અને આ રોટલા વિવિધ વિસ્તારના લોકો પોતાની શેરીના શ્વાનને ખવડાવવા માટે લઈ જતા હોય છે. શ્વાન ખોરાકના અભાવે ભૂખ્યા રહે અને અખાદ્ય ખોરાક ન ખાય તે માટે આ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. હવે તો લોકો આ કાર્ય માટે નાણાકીય સહાયથી માંડીને અનાજની સહાય પણ કરે છે. આ સેવા અમે 2004થી ચાલુ કરેલી છે અને અમારો હેતુ એક જ છે કે અંજાર ગામમાં બિસ્કીટનું પ્રમાણ વધી ગયું છે કૂતરાઓને ખવડાવવાનું, એની જગ્યાએ બાજરાના રોટલા ખવડાવવામાં આવે એવી અમારી ઈચ્છા છે. એનાથી એને શરીરના કોઈ પણ જાતના રોગ ન થાય અને એક સેવાનું કાર્ય થઈ રહે. અમારા સાથે તો 40-50 માણસો આવા જોડાયેલા છે, જે કોક પૈસા આપી શકે, કોક કાર્ય કરી શકે, કોક વસ્તુ લઈ શકે, લઈ દે એમ. એવી રીતે આ અમારી સંસ્થામાં 20 જણા અમારા એવા કાર્યકર પાયાના છે જે કાયમ અમને સેવા આપે છે. મૂંગા પ્રાણીને જાતે રોટલો ઉપલબ્ધ કરાવવાનું કામ ભાવેશભાઈ તથા રમેશભાઈએ વર્ષ 2004માં નાના પાયે શરૂ કર્યું હતું, જેનો હેતુ એ હતો કે શ્વાનને બજારૂ વસ્તુને બદલે તેનો મુખ્ય ખોરાક રોટલીઓ જ આપવામાં આવે. બસ ત્યારબાદ તો પરિસ્થિતિ લોક જુડતે ગયે ઓર કારવા બનતા ગયા જેવી થઈ ગઈ અને શરૂઆત થઈ સંવેદના રોટલા ઘરની. ધીરે ધીરે આ કામ એટલું વધી ગયું કે હાલમાં તો લોટ માટે ઇલેક્ટ્રિક ઘંટી અને ચૂલા પણ રાખવામાં આવ્યા છે અને શ્વાન માટે રોટલા વણવા બે મહિલાઓ પણ માસિક પગારે રાખવામાં આવ્યા છે, જેઓ સવારે 2 કલાકમાં 15 કિલો લોટમાંથી શ્વાન માટે ગરમ ગરમ રોટલીઓ બનાવે છે અને આ રોટલીઓ શ્વાન પ્રેમીઓ પોતાના વિસ્તારમાં લઈ જઈને શ્વાનને ખવડાવે છે. આપણે કૂતરાઓને બિસ્કીટ નહીં નાખીએ છીએ, એના કરતાં સારું એવું કાર્ય કરી આપે રોટલા અહીંયા ઘડી અને કૂતરાને નાખીએ તો એ આપનો મૂળભૂત ખોરાક છે. તો આ લોકોએ વિચાર કર્યો, પહેલે નાનેથી નાની ઓળી કરી અને કૂતરાના રોટલા ઘડતા અને કૂતરા નાખતા. પક્ષીઓ માટે ચબૂતરા હોય અને ગાય ભેંસ માટે કોચર,
ત્યારે શ્વાન માટે અનુકંપા રાખીને તેને નિયમિત ખોરાક ઉપલબ્ધ કરાવનાર આ કચ્છી માંડવોની બેલડીના સેવા કાર્યની મહેક દૂર સુદૂર સુધી ફેલાઈ છે અને અનોખા નિસ્વાર્થ સેવા યજ્ઞને લોકો બિરદાવી રહ્યા છે. અંજારથી કૌશિક અંઠેજાનો રિપોર્ટ. રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા મિશન અંતર્ગત તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે નગરપાલિકા સંચાલિત શહેરી આજીવિકા કેન્દ્રનો આરંભ થયો છે, જ્યાં છૂટક મજૂરી શોધતા તથા માળીકામ સુથારીકામ જેવા કારીગરોની જરૂરિયાત માટે અટવાતા શહેરીજનો માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યું છે. આ કેન્દ્ર દ્વારા છૂટક મજૂરી કરતા લોકોને રોજગારી મળતી રહે તેમજ માળીકામ સુથારીકામ બાંધકામ કે ઇલેક્ટ્રીકના કામ માટે અટવાતા નગરજનોને જરૂરિયાત પ્રમાણે કામદાર મળી રહે તેવી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. આજીવિકા કેન્દ્રમાં ઘણા કામદારોએ પોતાની નોંધણી કરાવી છે, જેથી તેઓ સરળતાથી રોજગારી મેળવી શકે. તો વ્યસ્ત જીવનમાં શહેરીજનોને સરળતાથી નાની નાની કામગીરીનો ઉકેલ મળી રહેતા વ્યારાના નગરજનોમાં આનંદ ફેલાયો છે. સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું અને એની અંદર મેં મારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું એક કારીગર તરીકે. મારું ફર્નિચર અને એલ્યુમિનિયમનો બિઝનેસ છે, તો પહેલા કામ ને એ બધું શોધવા જવું પડતું હતું. તો આનાથી આ ખોલવાથી એટલો ફાયદો થશે કે કામ એવું શોધવા નહીં જવું પડે અને સરળતાથી નગરપાલિકા દ્વારા અમને કામો મળી રહેશે. હું કામ કરું છું શહેરી આજીવિકા મિશન એ નગરપાલિકાની જૂની ઓફિસમાં જે ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે તેની અંદર મારે વાયમાનું કામ કર્યું અને મેં ત્યાં કોન્ટેક કરતા ત્યાંના કર્મચારી જીગલબેન ગામિતને વાત કરતા એમણે મને એક વાયમાનની વ્યવસ્થા કરી આપી અને મારા ઘરે એક પંખો અને એક લાઇટ લગાવવાની હતી, જે કામ સારી રીતે પૂર્ણ થયું છે. નગરપાલિકાના વિવિધ લોકોને જે કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય, જેવી કે પ્લમ્બિંગ કામની હોય, સુથારી કામની હોય, ઇલેક્ટ્રિક કામની હોય, તો આવા જે કામદારો છે એમનું રજીસ્ટ્રેશન આ આજીવિકા સેન્ટરમાં કરવામાં આવશે અને કોઈ પણ નગરપાલિકાના રહીશોને આ બાબતની ફરિયાદ હોય કે માંગણી હોય તો આ આજીવિકા સેન્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરી અને એ સુવિધાને પૂરી પાડવામાં આવશે. તો આ સાથે જ આ બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.